हमारा आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। विजुअल बेसिक में हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर आप सिलेबस में देख रहे हैं कि दो प्रकार की फाइल्स को हमें देखना है, सिक्वेंशियल और रैंडम फाइल्स के बारे में जानना है अभी क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाया था वो सब प्राइमरी मेमोरी में रन हो रहा था, और उसका आउटपुट एक बार डिस्प्ले होता था तो दोबारा वो डिस्प्ले करने के लिए हमें फिर से प्रोग्राम्स बनाने पड़ते थे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो या तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो सकता है या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो सकता है। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा तो टेम्प्ररी होगा, थोड़ी देर के लिए होगा। अगर 2 दिन के बाद फिर से उसे चाहिए तो हमें फिर से उसे स्टोर कराना पड़ेगा या लोड कराना पड़ेगा कहीं पर से। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी में हम अपना आउटपुट या प्रोग्राम को स्टोर कर देते हैं तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है जब तक उसे डिलीट ना किया जाए, यानी लाइट बंद होने पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोग्राम आपके सामने देखेंगे और उसको फाइल के साथ यूज़ करेंगे। फाइल्स क्या होती है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम यहाँ पर एक विजुअल बेसिक ओपन किया है हमने, और यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ये दो कमांड बटन बने हुए हैं। पहला कमांड बटन जो है इसमें मैं लिख देता हूँ फाइल, और इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्रीन। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि अभी हमारा जो प्रोग्राम था एक हमने फाइल्स में देखना चाह रहा था। अभी तक हम जो भी प्रोग्राम बनाते थे उसका आउटपुट स्क्रीन पर आता था। अब हम चाहते हैं आउटपुट हमारा फाइल पर आए, ताकि जब हम कल आए तो दोबारा हमें प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत ना पड़े और बिना प्रोग्राम के रन किए ही हम आउटपुट देख सकते हैं। तो स्क्रीन वाले प्रोग्राम में हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमको ऐसा आउटपुट चाहिए था। मान लीजिए ये लाना है आउटपुट, एक पिरामिड का पैटर्न बनाना था। तो हमने यहाँ पर 1 to 5 लिखा। रो की संख्या क्या होगी? 5, और कॉलम की संख्या रो के बराबर होगी। प्रिंट किया और यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट, क्योंकि ये लाइन चेंज नहीं करता है इसलिए यहाँ पर सॉरी लाइन चेंज करता है इसलिए डायरेक्ट स्लैश एन नहीं लिखते हैं। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ गया, ठीक है। लेकिन ये आउटपुट दिख रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर बंद कर देता हूँ तो ये आउटपुट मुझे दोबारा देखने के लिए दोबारा प्रोग्राम रन करना होगा, फिर से इस बटन पे क्लिक करना होगा, तब मुझे आउटपुट दिखाई देगा। लेकिन फाइल वाले चीज में ऐसा नहीं है। फाइल वाले में सिस्टम में क्या होता है कि ये सेम कोड को फाइल वाले में मैंने यहाँ पर कोड करके रखा है। यहाँ पर देखिए मैंने ये कोड किया हुआ है। सबसे पहले एक फाइल को ओपन किया मैंने। फाइल को ओपन करना हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फाइल कैसे ओपन करते हैं, और फाइल हैंडलिंग का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में भी मैंने बताया था। तो फाइल को ओपन या क्रिएट करने के लिए ओपन कमांड होता है। फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी? डी ड्राइव में। फाइल का नाम होगा zzz.txt। और फॉर आउटपुट लिखने पर क्या होता है, फाइल क्रिएट भी होती है और ओपन होती है। फाइल का नंबर है नंबर 1। अगर आपको एक साथ 10 फाइल ओपन करनी है तो सब में सेम हो सकता है, बस फाइल का नाम और नंबर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद सेम यही वाला कोड मैंने उठा के यहाँ पे रखा है, और क्लोज करने के बाद ओके लिखा है। फाइल को क्लोज किया और मैंने ओके लिखा है। तो नीचे का जो कोड है मैं यहाँ पर ले आ देता हूँ ताकि आपको वो दिखाई दे कि सेम कोड है। मैंने इसको कट किया है और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही कोड जो है वो सेम है। ये वाला जो कोड है वो फाइल पे आउटपुट भेज रहा है और ये स्क्रीन पे आउटपुट भेज रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फाइल पर आउटपुट भेजने के लिए पहले हमको एक फाइल बनानी पड़ी, उसके बाद ये वाला जो कोड है ये 6 लाइन का जो सेम वही कोड यहाँ पर भी कॉपी किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट लिख दिया गया है, प्रिंट स्टार, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रिंट हैश 1 और स्टार।
यानी कि प्रिंट कमांड जो स्टार को हैश वन मतलब इस फाइल पर भेज रहा है, न कि स्क्रीन पर भेज रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डी ड्राइव ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जेड जेड नाम की कोई भी फाइल आपको दिखाई नहीं दे रही है, एक फाइल बनी हुई है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। आपको इस हिस्से पे नज़र रखना है, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट होगी, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और हम इस हिस्से पे नज़र रखेंगे, ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करते समय सबसे पहले मैं स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न है जिसमें आपको स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसका जो आउटपुट है वो दोबारा आपको नहीं दिखाई देगा अगर प्रोग्राम बंद हो जाएगा, दोबारा आउटपुट अगर आपको देखना है तो फिर से प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन फाइल वाले पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक फाइल बनेगी जिसका नाम क्या होगा, zzz.txt, और उसमें वही पैटर्न, ये जो आउटपुट है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर एक फाइल बनी हुई दिख रही होगी zzz.txt, ये फाइल जो है वो इस बटन पर क्लिक करने से बनी है, और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर मुझे ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो जो आउटपुट ये वाले बटन ने आउटपुट स्क्रीन पर भेज दिया, और ये वाले बटन ने आउटपुट कहाँ पर भेज दिया, फाइल में आउटपुट भेजने के लिए फाइल हैंडलिंग का यूज़ किया गया है। अब इन दोनों आउटपुट में क्या अंतर है, अगर मैं प्रोग्राम बंद कर दूं और ये विजुअल बेसिक को भी बंद कर दूं, तो यहाँ वाला जो आउटपुट है वो दोबारा मुझे देखने के लिए फिर से प्रोग्राम रन करना होगा, और फिर से जब तक मैं इस बटन पे क्लिक नहीं करूँगा, पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तब तक मुझे यहाँ पर आउटपुट दिखाई नहीं देगा। लेकिन दूसरा जो आउटपुट था ये वाला, इसके लिए मुझे दोबारा प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लैपटॉप बंद करके भी चला जाऊँगा और कल परसों आऊँगा यहाँ पर तो भी ये मुझे ये आउटपुट दिखाई देगा, क्लियर है। ये परमानेंट स्टोर हो गया है और यहाँ पे जो आउटपुट है ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, क्लियर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, अब एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक फाइल बने उसमें 1000 बार पीजीडी से जो है वो लिख दे, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कि एक फाइल यहाँ पर बने 4 बार Z नाम हो, और हम उसको एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं इस बटन पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरा कोड है, कोड देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर आई इक्वल टू 1 to 500, नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, अगर मैं प्रिंट आई लिख देता हूँ तो स्क्रीन पर 1 से लेके 500 तक गिनती लिखाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि स्क्रीन पर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि वो एक फाइल में लिखा है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, पहले फाइल का नाम मैंने रखा 4 बार Z या 3 बार Y रख देते हैं, चलिए वाई वाई वाई। और ये जो आई जो प्रिंट करना था वो मैं #1 में प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने लिखा प्रिंट #1 i, यानी i की वैल्यू 1 से लेके 500 तक जाएगी और वो लूप चलेगा, ये जो लूप है ये 500 बार चलेगा और इस फाइल में 500 तक की गिनती लिखाते जाएगी, और लिखने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो फाइल का जो डेटा है वो कभी कभी सेव नहीं होता है। और उसके बाद मैसेज आएगा डन, क्लियर है। सिंपल सा कोड है ये, 6 लाइन का कोड लिख करके मैं 500, 5000, 50000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, इतने सारे नंबर्स लिख सकता हूँ अगर मैं सिर्फ ये 6 लाइन का कोड लिखूँ। तो फिलहाल अभी हम उतना नहीं लिख रहे हैं, केवल 500 तक के नंबर लिखेंगे। तो इसको रन करते हैं और अपने ये आईडी को मिनिमाइज कर लेते हैं। आपको याद होना है कि यहाँ पर वाई 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 नाम की फाइल बनेगी
आपको यहाँ पर फोकस करना है, जैसे ही कमांड 4 पर क्लिक किया जाएगा तो यहाँ एक फाइल बनेगी, उसमें 1 से लेकर के 500 तक नंबर लिखे होंगे। तो हम लोग चालू करते हैं, जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका इनपुट मोड में ओपन हो गया, इसको हमें आउटपुट मोड याद रखना है। आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिल गई है कि फाइल अगर आउटपुट मोड में ओपन होती है तो फाइल क्रिएट होगी देन ओपन होगी, और फाइल अगर इनपुट मोड में ओपन हो रही है तो बनी बनाई फाइल ओपन होगी, यानी कि रीडिंग होगा। यहाँ पर हम राइटिंग कर रहे हैं, तो हम अपना स्टेटमेंट यहाँ पे सुधार दिए हैं, दोबारा रन कराते हैं। और आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे कमांड 4 पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाई 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 नाम की एक फाइल बन गई है आपके सामने, और आपको पता है कि जैसे ही इसको खोला जाएगा तो इसमें 1 से लेके 500 तक गिनती लिखी होगी। आप उसको देख सकते हैं कि इतना सारा जो गिनती है वो 1 सेकंड के अंदर उसने लिख दिया है। क्लियर है? तो अब इसको ओपन करके देखते हैं हम लोग। ये देखिए, 1 से लेकर के पूरा 500 तक की गिनती लिखी गई है 1 सेकंड के अंदर, और ये जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर नहीं है, फाइल पर है। अब मैं प्रोग्राम बंद करके, लैपटॉप बंद करके भी चले जाऊंगा तो 3 दिन के बाद अगर आऊँगा, डी ड्राइव खोलूँगा, तो इसमें ये मुझे ये डिटेल्स दिखाई देगी। सेम उसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक और बटन यहाँ पे बनाऊँगा। हम लोग फिबोनाची सीरीज़ के बारे में सुने हैं। फिबोनाची सीरीज़ कुछ इस तरीके से होता था, जिसमें 2 नंबर दिए जाते हैं तो तीसरा नंबर जो है इनका सम होता है, यानी कि जो ये 1 और 1 है इनका सम क्या हुआ, 2। फिर 1 और 2 का सम क्या होगा, 3, 5, 8, इस तरीके से आगे बढ़ता है। इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। अभी तक हमने जो फिबोनाची सीरीज यूज़ किया था उसमें हम स्क्रीन पर आउटपुट देखते थे, अब हम आउटपुट कहाँ देखेंगे, यहाँ पर फाइल पर देखेंगे। तो सेम हम इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं। पहले एक फाइल बनाएंगे हम, उसका नाम होगा, 4 बार Y लिख देते हैं, और फिबोनाची सीरीज का कोड हम लिखते हैं। फिबोनाची सीरीज का कोड आपको पता है कि a=1, b=1, उसके बाद रहता था प्रिंट #1। यहाँ पर बस मैं #1 ऐड कर दे रहा हूँ, नहीं तो प्रिंट a लिखा रहता था सीधा, फिर लिखा रहता था प्रिंट #1b, यानी a और b को हमने प्रिंट करा दिया है। अब मैं लूप चला रहा हूँ फॉर i=1 to 5। नेक्स्ट, यहाँ पर लूप में होता था c=a+b और प्रिंट #1c। इतना करने के बाद a=b और b=c, ये आपका फिबोनाची सीरीज का कोड है। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, सिर्फ प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ होता था प्रिंट ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी होता था, वहाँ पर प्रिंट #1 जो आउटपुट है उसको रिडायरेक्ट कर दिया गया है। स्क्रीन पर न जा करके अब फाइल नंबर 1 पे जा रहा है, और फाइल नंबर 1 का मतलब है 4 बार Y। इतना होने के बाद फाइल क्लोज होगी। क्लोज करने के लिए फाइल नंबर के साथ क्लोज कमांड देंगे और मैसेज बॉक्स देंगे डन। क्लियर है? तो ये बटन नंबर 5 पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो फिबोनाची सीरीज जनरेट होगी। यहाँ पर एक फाइल, आपको यहाँ पर फोकस करना है, जैसे ही 5 कमांड पे क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पर एक फाइल जनरेट होगी जिसका नाम होगा 4 बार Y, और उसमें फिबोनाची सीरीज जनरेट होगी। क्लिक करते हैं, यहाँ पर डन लिखा, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई है। प्रोग्राम को हम बंद कर देते हैं। आपको पता है इस फाइल में फिबोनाची सीरीज आपको मिलने वाली है, आउटपुट स्क्रीन पर ना दिखाई दे करके कहाँ पर दिखाई देगा, अब हमें फाइल पर। आप देख रहे हैं, अब इस फाइल में ओपन करने पर आपको फिबोनाची सीरीज जनरेट करके दिखाई गई है। ये जो आउटपुट है इसमें अंतर ये है कि इसको आप लैपटॉप बंद करके चले जाएंगे और 3 दिन के बाद आएंगे, डी ड्राइव खोलेंगे। जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं फिर से डी ड्राइव खोलता हूँ यहाँ पे, और डी ड्राइव खोलने के बाद, सॉरी, F5 है ये, डी ड्राइव खोलने के बाद मुझे ये तीनों फाइल्स यहाँ दिख रही हैं, और वो आउटपुट यहाँ पर जो है आपका परमानेंट दिख रहा है। 4 बार Y में फिबोनाची सीरीज है और ये है।
तो इस आउटपुट और स्क्रीन पर दिखाए गए आउटपुट में जो अंतर है वो ये है कि ये परमानेंट है, जब तक इसको डिलीट नहीं किया जाएगा तब तक ये आउटपुट बना का बना रहेगा। और दूसरी बात ये है कि दोबारा हमको प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी बात है कि मैं दोबारा प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर देता हूँ और आउटपुट देख लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए फाइल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर ये है कि अभी हमने जो फाइल बनाई है ये काफ़ी छोटी साइज़ की फाइल है। जैसे मैं इस फाइल की साइज़ अगर देखता हूँ तो इसमें इसकी जो साइज़ है आपको देखने मिलेगी ये 25 बाइट की फाइल है, यानी बहुत छोटी फाइल है। इसकी प्रोसेसिंग करने में कंप्यूटर को मिली सेकेंड्स में समय लगा होगा, लेकिन कुछ कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनको एग्जीक्यूट करने में घंटों घंटों का समय लगता है। तो उस आउटपुट को अगर हमको दोबारा देखना होगा तो उस आउटपुट को देखने के लिए फिर से 1 घंटा एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर हमें वो आउटपुट मिलेगा। ऐसे कई सारे वीडियो मिक्सिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके जो ये अभी जो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इस लेक्चर की प्रोसेसिंग करने में 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, और उसको उस काम को बार बार करना पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर वो कर दे परमानेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से फाइल जो है आपके काफ़ी यूज़फुल है। तो ये था फाइल में, हमको हमने आज देखा कि फाइल यहाँ पर रीड और राइट करना। अब एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ एक बटन बनाता हूँ और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नाम लिखूँ और बटन पर क्लिक करूँ, वो जा करके उस फाइल में ऐड हो जाए। क्लियर है? तो देखते हैं कि कैसे होगा ये। सबसे पहले टेक्स्ट को हम ब्लैंक कर देते हैं और कमांड 6 में फिर से सेम वही कोड लिखेंगे हम। इस फाइल को ओपन किए, अब जो फाइल ओपन होगी इसका नाम होगा 4 बार Z। क्लियर है? और फाइल में मैं जो है प्रिंट #1 करके क्या लिखूंगा, text1 dot text, यानी कि text1 में जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो text1 में मैं जिसका भी नाम लिखूंगा वो file number 1, file number 1 मतलब ये वाली फाइल में जाएगा और प्रिंट हो जाएगा उस फाइल में। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ close #1, उसके बाद कुछ मैसेज दे देते हैं ताकि हमको पता चले कि काम हो गया, नहीं तो एग्जीक्यूशन हो गया पता ही नहीं चलेगा। रन कराते हैं, हमको पता है कि डी ड्राइव ओपन करना है, हमने डी ड्राइव ओपन किया और प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। हमको पता है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक फाइल क्रिएट होगी और यहाँ पर हम एक नाम लिख देते हैं, इस नाम को लिखेंगे हम PGDCA। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए ओके मैसेज आया और 4 बार Z नाम की फाइल बनी है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। प्रोग्राम ने अपना काम कर दिया है, स्क्रीन पर लिखा है PGDCA वो यहाँ पर लिखा गया है। सेम वैसे ही अब मैं प्रोग्राम को बंद नहीं करूँगा, प्रोग्राम को रन करके रखूँगा और आपको इसको इसके साथ होने वाले चेंजेस को दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चेंजेस करेगा ये। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ DCA, मैंने इस पर रन किया, फाइल ओवरराइट हो गई। यहाँ पर जो डी ये फाइल थी इसमें लिखा होगा DCA। इस फाइल को फिर से बंद करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, लिखते हैं अमित, जैसे मैंने ओके किया अब इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ लिखा हो मिलेगा आपको अमित। अब इसके साथ आप कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि लगे हाथ में आप ये भी देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अमित लिखूँ और वो कैपिटल होके चला जाए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं text1 के बदले पहले लिखेंगे UKS, तो अगर स्मॉल लेटर में भी अगर लिखा जाएगा अमित तो वो कैपिटल होके फाइल में जाके स्टोर होगा। कैसे होगा देखते हैं, मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखता हूँ साइंस कॉलेज, और जैसे ही मैं इसमें रन करूँगा ओके हुआ, यहाँ पर आया होगा डेटा लेकिन वो कैपिटल लेटर में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ था उसको मैंने UKS किया और फिर भेजा, यहाँ पर भेजने से पहले UKS कर दिया।
तो वो स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से हम और भी फंक्शंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ लिखूँ उसका लेफ्ट का 3 अक्षर ही दिखाई दे बस। मैं जैसे यहाँ पे साई महाविद्यालय लिख रहा हूँ तो साई बस लिखा हुआ दिखाई दे। तो आपको याद है कि हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ किए थे जिसमें हमने लेफ्ट फंक्शन यूज़ किया था। तो मैं यहाँ लिख दूंगा लेफ्ट और कॉमा में लिख दूंगा 3। तो लेफ्ट से ये हमें 3 कैरेक्टर्स काट के डिस्प्ले करेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ साइन कॉलेज, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ साइन आएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ अमित कुमार, क्या आएगा आउटपुट में, AMI, सिर्फ 3 ही अक्षर आएगा, भले आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए। मैंने किया ओके, आया आउटपुट में क्या आया, AMI। तो इस तरीके से आप अपना जो भी नाम लिखेंगे तो ये प्रोग्राम जो है, जैसे आप लिखते हैं मिस्टर अमन, तो ये आप मिस्टरों की मिस हो मिसेस हो वो आपको बता देगा, सिर्फ मिस्टर मिसेस ही ये स्टोर करेगा, शुरू का जो 3 अक्षर है वो कट कर लेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि फाइल्स, अभी जो हमने आउटपुट देखा है ये आउटपुट कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, फाइल्स में, और ये परमानेंट स्टोरेज, जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे ये हमारे पास रहेगा।